चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं सफाई कर्मचारी का ट्रेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। टोटल 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रत्येक वीडियो में मैं 10-10 क्वेश्चंस डेली आपके लिए वीडियो लाता हूँ, जो कि ये है पार्ट 8 वीडियो। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CRP पैरामेडिकल कांस्टेबल ट्रेडमैन का है, जो कि सफाई कर्मचारी का ट्रेड क्वेश्चंस है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपने जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ज्वाइन मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे चैनल का मेंबरशिप बन सकते हैं। मेंबरशिप बनने का काफ़ी फ़ायदा है, जैसे PDF हो गया, नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट्स बुक्स हो गया, जानकारी हो गया, कुछ भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसलिए आप ज्वाइन मेंबरशिप बन के रेडी रहे, यानी मेंबरशिप बन सकते, कुछ अमाउंट आपको पेड करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बायो टॉयलेट में क्या होता है जो मानव मल को जल और गैस में बदल देता है। अभी रिसेंटली बायो टॉयलेट, आप सभी को पता होगा कि रेलवे काफ़ी ज़ोरों से तेज़ी से काम कर रहा है, और प्रत्येक ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने की सुविधाजनक काम कर रहा है। तो यहाँ पे बायो टॉयलेट में बोला है कि बायो टॉयलेट में क्या होता है जो मानव मल को जल और गैस में बदल देता है। कहने का मतलब है, जो भी मल मूत्र होते हैं उसे जल और गैस में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ इंग्लिश में बोलिए, यहाँ बोला है व्हाट हैपन इन बायो टॉयलेट दैट कन्वर्ट द ह्यूमन वेस्ट इनटू वाटर एंड गैसेस। तो यहाँ पे क्या रहता है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीजाइटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एनोरोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है इम्यूस बैक्टीरिया, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोरोबिक बैक्टीरिया बायो टॉयलेट में होता है, जिसके वजह से मानव के मल को जल और गैस में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ डिस्ट्रॉय। ऑप्शन ए दिया है केले का छिलका, यानी केला बनाना पील। ऑप्शन बी दिया है लकड़ी का टुकड़ा वुडेन ब्लॉक। ऑप्शन सी दिया है प्लास्टिक की थैली, यानी प्लास्टिक बैग। और ऑप्शन डी दिया है अखबार की थैली, यानी न्यूज़पेपर पाउच। तो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ डिस्ट्रॉय, मतलब नष्ट होने की अवधि अधिक होती है, मतलब किसी भी इन 4 ऑप्शन में से कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इसका जो नष्ट होने में, ख़राब होने में काफ़ी समय लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है केले, लकड़ी, प्लास्टिक, अखबार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्लास्टिक का बैग्स हो, चाहे प्लास्टिक का कुछ भी चीज़ हो, उसे अगर हम लोग जैसे थैली, खासकर थैलियाँ जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर वो मिट्टी के अंदर दब जाता है तो उसे हज़ारों साल लग जाते हैं उसे नष्ट होने में। इसलिए प्लास्टिक एक ऐसा मतलब है, इसे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्वेश्चंस का आंसर आपका ऑप्शन सी, प्लास्टिक की थैली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि यहाँ पे बोला है कि आपको कितनी देर तक हाथ धोना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले काफ़ी वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस है, जो कि अभी काफ़ी सिचुएशंस ख़राब है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, COVID-19, जिसके वजह से सरकार के तरफ से काफ़ी नोटिफिकेशन आती है कि हाथ समय समय पर धोए, सैनिटाइज करे, और काफ़ी यूज़ करते रहे हर समय सैनिटाइज़र। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताया क्वेश्चंस में कि कितनी देर तक हाथ धोना चाहिए। ये नॉर्मल सा है, डेली लाइफ में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बोला हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश हैंड, तो ऑप्शन ए दिया है 20 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 40 सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 1 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 5 सेकेंड। तो कितना सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कम से कम 20 सेकेंड तक आपको हाथ धोना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि
की रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए कौन सा एकमात्र प्रभावपूर्ण तरीका है? विच इज़ द ओनली इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी जो संक्रमित रोग होता है और उसे रोकने के लिए हम लोग कौन सा एकमात्र प्रभाव तरीका क्या है, मतलब इसका वे क्या है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी है पानी और साबुन दोनों से हाथ धोना। ऑप्शन सी है केवल पानी से हाथ धोना। और ऑप्शन डी अपनी मर्जी चलना है, डू इट फॉर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जो कि पानी और साबुन दोनों से हाथ धोना आपको अनिवार्य है, यानी वॉश हैंड टू सोप एंड वाटर, तभी जाके आपका जो भी संक्रमित बीमारी वगैरह होता है इससे काफ़ी कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम दैनिक कार्यों के दौरान जो आवश्यक वस्तु फेंक देते हैं वे है, हम डेली लाइफ में वी डेली द थिंक यू नीड टू थ्रो अवे डूरिंग वर्क। कहने का मतलब है कि हम लोग डेली लाइफ में जो भी सामान यूज़ करते हैं और उसे हम लोग आवश्यकता वस्तु फेंक देते हैं, मतलब हम दैनिक कार्यों के दौरान जो आवश्यक वस्तु फेंक देते हैं वे है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है शराब और सामान यानी अल्कोहल एंड मटेरियल्स। ऑप्शन बी है कांच की बोतल यानी ग्लास बोतल। ऑप्शन सी है कचरा यानी गार्बेज। और ऑप्शन डी है खाने का सामान यानी फूड मटेरियल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्बेज होता है, जो कचरा होता है। हम लोग घर में डेली हम लोगों का घर में कुछ ना कुछ कचरा निकलता है और हम लोग उसे डस्टबिन में जाके फेंक देते हैं, तो इसलिए हम लोग डेली लाइफ में क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर आपका कचरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देखते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि रद्दी कागज को पुनः उपयोगी किस प्रकार बनाया जा सकता है, यानी हाउ टू मेक द बेस्ट पेपर यूजफुल अगेन। जो हम लोग रद्दी कागज़ जैसे कॉपी का आपका पेज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब जो रद्दी हो जाता है जिसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उसे फिर से यूज़फुल कैसे बनाए, वो उसका प्रोसेस आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है अब गठित प्रणाली द्वारा यानी बाय द सिस्टम फॉर्म नाउ। ऑप्शन बी दिया है विघटन प्रणाली द्वारा बाय डिस्टिंग्रेशन सिस्टम। और ऑप्शन सी दिया है समान प्रणाली द्वारा बाय नॉर्मल सिस्टम। और ऑप्शन डी है चक्रण प्रणाली द्वारा बाय साइक्लोनिक सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चक्रण प्रणाली द्वारा, यानी बाय साइक्लोनिक सिस्टम से हम लोग रद्दी कागज को पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि मानव के लिए स्वास्थ्य की क्यों आवश्यकता है, वाई नीड फॉर पोसेसिव फॉर ह्यूमन। तो हम लोग को लाइफ में स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो कि किस लिए आवश्यकता होता है, काफ़ी कीमती चीज़ तो है। हम लोग का शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी जाकर मैं कुछ काम कर पाऊँगा और आगे बढ़ पाऊँगा। तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य मनुष्य को क्यों आवश्यकता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के माध्यम से देखिए, ऑप्शन ए दिया है स्वास्थ्य रहने के लिए यानी टू स्टे हेल्थ। ऑप्शन बी है शरीर शुद्ध रखने के लिए टू कीप बॉडी क्लीन। ऑप्शन सी है मन बुद्धि तथा पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए टू कीप माइंड क्लीन एंड एनवायरनमेंट क्लीन। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम लोग डेली लाइफ में शरीर का जो स्वास्थ्य रहने का कारण है, स्वास्थ्य रहने के लिए भी हम लोग करते हैं टू स्टे हेल्थ। उसके बाद ऑप्शन बी है शरीर शुद्ध रखने के लिए भी करते हैं। ऑप्शन सी है मन बुद्धि तथा पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए भी करते हैं। इसलिए हम लोग का इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी हो जाएगा, यानी तीनों चीज़ हम लोग को फॉलो करता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि स्वच्छ रहने की शिक्षा कब शुरू की जाती है थी, मतलब कब शिक्षा स्वस्थ रहने का भी एक शिक्षा है जो कि कब शुरू की जानी थी। तो यानी ऑप्शन वेन वाज क्लीन लिविंग एजुकेशन बीइंग। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन डी है योगोपति विद संस्कार, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि योगोपति विद संस्कार, जो कि स्वच्छ रहने का शिक्षा
इसी समय दिए जाती थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि घनी आबादी क्षेत्र की समस्या से अधिक पीड़ित है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आर मोर प्रोन टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए किसके कारण से पीड़ित है। तो ऑप्शन ए है प्रदूषण का परिणाम से, यानी कंसिक्वेंस ऑफ पॉल्यूशन। ऑप्शन बी है गंदगी का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ गार्बेज। ऑप्शन सी है जनसंख्या का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो यानी घनी आबादी के क्षेत्र की समस्या से अधिक पीड़ित क्या है, किससे पीड़ित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। करेक्ट तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गंदगी का बढ़ना ही घनी आबादी का क्षेत्र का काफ़ी समस्या है, जिसके कारण इंक्रीज ऑफ गार्बेज, यहाँ पे काफ़ी गंदगी फैलता है जिसकी वजह से काफ़ी पीड़ित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला है कि वनस्पति खाद किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड वेजिटेबल मैन्योर। ऑप्शन ए है जैविक कचरे को, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट को। ऑप्शन बी है घरेलू कचरे को, यानी हाउस होल्ड वेस्ट। ऑप्शन सी है ई कचरे को, यानी ई वेस्ट। और ऑप्शन डी है खतरनाक कचरे को, यानी डेंजरस वेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जैविक कचरे को हम लोग वनस्पति खाद कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चंस टोटल करवाया, और इसी तरह मैं रेगुलर और भी करवाऊँगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वीडियो को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपको करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद देखने के लिए।